भीषण गर्मी की दस्तक से इंसानों से लेकर परिंदे तक हलाकान है। ऐसे में किसी को शीतल जल की सुविधा उपलब्ध हो जाए तो इससे बेहतर और कुछ नहीं। रीवा रेलवे स्टेशन पर समाजसेवी और धार्मिक संस्थाओं ने स्टेशन प्रबंधक को 6 वाटर कूलर की सौगात दी। इस अवसर पर सिंधु केंद्रीय पंचायत के अध्यक्ष दादा प्रहलाद सिंह ने रिबन काटकर वाटर कूलर जनता को समर्पित किए। क्षेत्रीय रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य प्रकाश शिवनानी के विशेष सहयोग का सभी ने आभार प्रकट किया। इस अवसर पर विशेष रूप से रीवा स्टेशन प्रबंधक सत्येंद्र सिंह बघेल ने सभी की सराहना की और धन्यवाद दिया। इस अवसर पर सिंधु समाज, रीवा, बाबा अश्वधर्म सेवा समिति, संत आनंदराम भगत, राम दरबार, हरिकृष्ण उदासी समिति एवं समाज के गणमान्य नागरिकों ने गिरधारी लाल गंगवानी, रमेश इसरानी, DRUCC मेंबर शंकर साहनी एवं प्रदीप गौतम, अशोक मंजरी, किशोर बाधवानी, लेखराज मोटवानी, अजीत आहूजा, रमेश तलरेजा, गुलाब साहनी, किशोर चेलानी सह समाज के वरिष्ठ, हुकुमतराय होतवानी, सुदामा लाल सचदेव, चांदीराम केसवानी, लड्ढाराम थारवानी सह सैकड़ों समाज सेवी उपस्थित रहे। जानकारी दीजिए। देखिए, हमारे सिंधी समाज की ये प्राचीन परंपरा रही है, हमारे इष्ट देव भगवान श्री झूलेलाल जी को हम लोग जल देवता के रूप में भी पूजते हैं और यही आस्था हम लोगों को जल सेवा के लिए प्रेरित करती है। और हमारा सिंधी समाज जहाँ कहीं भी फैला हुआ है पूरे विश्व में, ये जल सेवा को अपना सौभाग्य मानता है। उसी कड़ी में आज रीवा में मुझे सिंधी सेंटर पंचायत के अध्यक्ष हमारे आदरणीय दादा प्रहलाद सिंह जी के नेतृत्व में विभिन्न संस्थाओं ने सेवा दी है, उसके लिए मैं सभी संस्थाओं को आभार व्यक्त करता हूँ। आपका बहुत सारा थैंक यू। आप लोगों ने बड़ी मदद की यात्रियों के लिए इस भीषण गर्मी में, बहुत शुक्रिया। तो आपको चैनल की तरफ से बहुत शुक्रिया कि आपने लगातार बहुत मेहनत करी और स्टेशन पे 6 वाटर कूलर देखने को मिल रहे हैं इस भीषण तपती गर्मी में यात्रियों के लिए, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। मैं पूरा आभार देना चाहूँगा पूरे समाज को, जिनके सहयोग से ये 6 वाटर कूलर अपन को मिल चुके हैं। अभी और भी वाटर कूलर लगाने की हम लोगों को संभावना है। रेल प्रशासन अगर अनुमति देगा तो 2 वाटर कूलर और लग सकते हैं स्टेशन पर। और ये जो उपलब्धि रीवा स्टेशन को मिली है, मेरे मानना है कि WCR पश्चिम मध्य रेल मंडल जो है कहीं भी इस तरह की उपलब्धि आज तक नहीं मिली है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 वाटर कूलर दिए जाते हैं, परंतु यहाँ पर 6 वाटर कूलर मिले हैं, वो भी समाज के सहयोग से। मैं पूरे समाज का आभार व्यक्त करता हूँ, रेल प्रशासन का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने सहयोग करके ये वाटर कूलर की स्थापना करवाई है। एक मिनट। समाज के सभी लोगों का सहयोग है, हमारे वरिष्ठ दादाजी जिनके द्वारा आज क्या उद्घाटन किया गया, और इसमें पूरे समाज का सहयोग है और हमारे समाज के द्वारा ऐसे पुनीत कार्य किए जाते हैं। थैंक यू। हाँ भाई, इधर भैया, सर एक दादा इधर मजा आ रहा है, थोड़ा जोर से बोलिए। अभी स्टेशन पे समाज सेवी सेवियों ने यहाँ पे 6 वाटर कूलर दिए हैं, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? सर, मैं पहली बात तो जो समाज सेवी संस्थाएँ हैं उनको दिल से आभार, धन्यवाद। और जिस तरह से गर्मियों में 6 वाटर कूलर दिए गए हैं, इससे हमारे यात्रियों को ठंडा पानी मिलेगा। और 4 स्ट्रेचर भी दिए गए हैं, 4 व्हीलचेयर भी दी गई हैं, इससे जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको काफ़ी राहत मिलेगी और उनकी सेवा में वृद्धि होगी। मैं उम्मीद करता हूँ अपने समाज सेवियों से भविष्य में भी इसी तरह से सहयोग मिलता रहेगा और हम यथासंभव जो भी सुविधाएं हैं यात्री सुविधा में वृद्धि करने में सक्षम होंगे। थैंक यू, धन्यवाद। लोगों ने बहुत बड़ी उपलब्धि दी है स्टेशन को, यात्रियों को, भीषण गर्मी है, तो इस बारे में कुछ हल्का सा बता दें। जैसा कि हम आपको जानकारी देते हैं, हमारे सिंध प्रांत से ही ये हमारी संस्कृति रही है कि गर्मी के टाइम में प्याऊ की व्यवस्था हम लोग करते थे, चाहे छोटी सी दुकान भी हो, वह एक मटका रख के पानी पिलाता था गर्मी के टाइम में। तो वो जो हमारी सामाजिक और संस्कृत परंपरा है उसको निभाते हुए हमारे रीवा शहर में मतलब हरे माधव समिति ने, संत आसूदा साहब ने, संत आनंदराम समिति ने और रमेश इसरानी जी ने और एक गुप्त सेवा के रूप में इस तरीके 6 वाटर कूलर रेलवे स्टेशन रीवा के लिए सेवा में दिए गए हैं। आगे भी आने वाले समय में 4-5 प्लेटफॉर्म जब चालू हो जाएगा तब हम उसमें भी हम सेवा करेंगे वाटर कूलर की। और हम हमारी हमेशा ये प्रयास रहेगा कि रीवा रेलवे स्टेशन में पानी की व्यवस्था दुरुस्त रहे और ठंडा पानी रेलवे यात्रियों को मिलता रहे। इसमें मुख्य बात जो है, ये जो प्रयास हुआ है जो अलग अलग संस्थाओं ने वाटर कूलर 6 वाटर कूलर दिए है, इसमें पूरा प्रयास जो है सही तरीके से, मैं दिल से बात कर रहा हूँ कि हमारे प्रकाश शिवनानी जी ने
जो कि JDU RSCC के मेंबर हैं, उनका ये पूरा प्रयास रहा है सबको सबसे मिल के, सबसे चर्चा करके, एक समय में इनकी व्यवस्था करके जो ये आज ये उपलब्धि हुई है रेलवे से रीवा को, इसे पूरा प्रयास हमारे भाई प्रकाश विनानी जी का है। रीवा से लेखराज मोटवानी की रिपोर्ट।